everyone, my name is Kushal Tripathi and I am TGT Mathematics. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, या हम ये भी कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स के बारे में सिंपल, लेकिन इस वीडियो में हमारा जो मतलब है वो थोड़ा ग्राफ से रिलेट हो जाता है। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए चैप्टर नंबर 2, तब तक आप इस वीडियो को ना देखें, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि द जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ अ पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलीनोमियल है और आप उसका कोई ग्राफ बनाते हैं, तो जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या होगा, जीरो होगा। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है उस पॉइंट का, वही क्या होगा, उसका जीरो होगा। ये मतलब है ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल के बारे में। मतलब अब पॉइंट ये आता है, ग्राफ कहां से आ गए हमें तो पता ही नहीं था। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी आपके पास पॉलीनोमियल्स हैं आप उनके ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपको याद होगा कि हमने पॉलीनोमियल्स की वैल्यूज को निकालना सीखा था। डिफरेंट पॉइंट्स हम रखते थे, वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज रखते थे, तो हमें कुछ वैल्यूज निकल के आती थी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ग्राफ है, सॉरी ये एक पॉलीनोमियल है p इक्वल टू 2x+3। इसका बेसिकली मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप यहां से y की वैल्यू निकाल दें। ये तो अगर मान लीजिए आपने, मैंने पहले से लिया हुआ आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखी तो आपके पास px की वैल्यू आ रही है -1। इसका मतलब ये है कि आपको एक कोऑर्डिनेट मिल गया विच इज -2, -1। इज इट क्लियर। इसी तरह से जब आप x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो आपके पास y की वैल्यू निकल के आएगी इसी पॉलीनोमियल से, दैट इज 7। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 2, 7। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को यहां पर प्लॉट कर देते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा इस पॉलीनोमियल का ग्राफ विच इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। ये तो आप देखेंगे कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये कहां पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ का ये जो पॉइंट होगा वो जीरो होगा, या इस पॉलीनोमियल का जिसकी वजह से ग्राफ बना है ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका जीरो होगा। इज इट क्लियर। और हम देख सकते हैं कि जहां जहां पर भी एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ काटेगा किसी भी पॉलीनोमियल का, वही उसके उतने ही जीरोस होंगे। यहां तक ये जो पॉइंट था मैंने आपको शायद क्लियर कर दिया। तो अब हम आगे की बात भी कर लेते हैं। अब अगली बात अगर हम रखना चाहें, मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है कि उसका ग्राफ बनाए या किसी का भी ग्राफ बनाए पॉलीनोमियल का, बट फिर भी मैंने इस केस को ले लिया है। जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस शेप का बनेगा। जो नाम है शेप का, इट इज पैराबोला, जो आपने पढ़ना है क्लास 11th में, अभी नहीं पढ़ना। और आप देख रहे हैं कहां पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बार कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके कितने जीरोज हैं, इसके 2 जीरोज हो सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी अब हम सीधी बात करते हैं कि इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में ये आता है कि ये बताइए कि ग्राफ को देखकर ये बताइए कि गिवन ग्राफ के कितने जीरोज हैं, तो या जिस गिवन ग्राफ के कितने जीरोज हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा, या क्या क्या जीरोज उसके हो सकते हैं। फिलहाल अभी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लेंगे, तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया है और एग्जाम्पल नंबर 1 की कुछ फिगर्स मैंने यहाँ रख ली और देख लेते हैं कि उसके क्वेश्चन कैसे करने और क्या आएंगे। देखिए, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, ईच is the graph of y equal to px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros. मतलब हमें ये बताना है कि उसके कितने zeros होंगे, बस ये बताना है। कौन से zeros होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, बस ये बताना है उसके कितने zeros होंगे। तो जैसे कि अगर मैं पहले वाले ग्राफ की बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि वो सिर्फ इसको एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो हुए, इसके सिर्फ एक ही जीरो हुआ। वहीं जब मैं दूसरे ग्राफ की बात करता हूं तो मैंने देखा कि ये x एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके कितने जीरो हो गए, इसके 2 जीरो हो गए। नेक्स्ट केस में आए तो हमने देखा कि इसके जो ग्राफ है उसके कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह पे, 1, 2, 3, तो इसके कितने जीरो हो गए, इसके 3 जीरो हो गए। ऐसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं तो यहां देख रहे हैं कि यहां पे
कुछ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बस टच कर रहा है। तो टच करने के केसेस में भी हम बोलेंगे यस, ये इसका क्या होगा, जीरो होगा। कितने जीरोज हैं, ओनली वन इस केस में, एक ही जगह पर टच कर रहा है। इस केस को आप अगर आप देखें, मैंने आपके लिए ले लिया है, ऐसे था नहीं, तो इसमें देखिए यहाँ पे ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप कह सकते हैं इसके कोई भी जीरोज नहीं है, नो जीरोज। इज इट क्लियर? तो ये था आपके ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल के बारे में। चलते चलते मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, वो एक पॉइंट है जो आपसे शेयर करना था, यह नोट। अ पॉलीनोमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। देयरफॉर अ पॉलीनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलीनोमियल हो जिसकी डिग्री है n, तो वो x एक्सिस को एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा n पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। या इसी को एल्जेब्रिक फॉर्म में भी आप देखना चाहें तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री n है तो उसके एट मोस्ट जीरो यानी ज्यादा से ज्यादा जीरोस n नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई आपके पास क्यूबिक पॉलीनोमियल है, यानी उसकी डिग्री कितनी है 3, तो उसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस आप फाइंड कर पाएंगे? सिर्फ 3 पॉइंट्स तक, 3 जीरोस फाइंड कर पाएंगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल यानी डिग्री कितनी हो गई 2, तो यानी उसके ज्यादा से ज्यादा आप कितने जीरोस फाइंड कर पाएंगे? 2 जीरोस फाइंड कर पाएंगे। वहीं अगर आप लीनियर पॉलीनोमियल की बात करें तो उसकी डिग्री है 1, तो उसके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही जीरो निकलेगा, उससे ज्यादा जीरो नहीं निकलेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक मतलब था, जिसका रिलेशन आप कह सकते हैं कि डिग्री का जीरो के साथ। सो ऑलराइट गाइस, यहां तक हमारी क्लास और कॉन्सेप्ट्स खत्म होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज आप जाएं, आज एनसीईआरटी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी आपको। वो एनसीईआरटी होगी क्लास 10th की, आप 10th की क्लास के एनसीईआरटी निकालेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, कौन से एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.1 का। सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप करके आइए। ना हो पाए तो मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।